नमस्कार बंदे मातरम, मैं हूं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज हम चर्चा करेंगे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के एकमात्र जो आमदार हैं, जो विधायक हैं, चुन के आए हैं टोंबिवली से, जी हां, राजू पाटिल के बारे में। राजू पाटिल के बारे में चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी अनिल थत्ते जी से। थत्ते जी, आज राजू पाटिल जी का शायद बर्थडे तो हम दोनों उनको पहली चीज़ तो बधाई देंगे जी, जन्मदिन को राजू तथा पाटिल जी को कि आपको बर्थडे की शुभकामनाएं और जल्द से जल्द आपको ऐसे मौके मिले जिससे आपकी बुद्धि, प्रतिभा और कर्तृत्व जो है, नेतृत्व जो है, उसको एक नया आयाम मिले, ये भी मैं प्रार्थना करूँगा भगवान से। सर देखो कि आनंद जी जब थे तब लोग ऐसा बोलते थे कि बाला साहब की शिवसैनिक की जो व्याख्या है जी, उस व्याख्या में अगर कोई 100% फिट होता है तो वो है दिगे साहब। मतलब बाला साहब ने शिवसैनिक के बारे में जो जो बोला। सर इसमें एक और रहस्य मैं आज बताना चाहूँगा कि हजारों हजारों स्मरणिकाएँ निकली शिवसेना की शाखा शाखाओं के कार्यक्रम, पिछले 25-30 साल में जितने भी कार्यक्रम हुए उसमें बाला साहब का एक कोटेशन अमर हो गया है, शिवसैनिक कसा असावा। वो एक कोटेशन है कि शिवसैनिक असा असावा, त्याने जसे असावे तसे असावे, अमुक असावे तमुक असावे। सर इसका बड़ा रहस्य ये है कि 30 साल पहले जब मैं बाला साहब ठाकरे के ऊपर एक किताब निकाली जी, तो उस समय तो मैं इनके करीब इतना था कि हफ्ते में 4-5 दिन तो उनके साथ ही था, अर्घ्य लेके लिए जाता था, गप्पा मारने के लिए भी जाता था, मुझे उनके सहवास में अति आनंद होता था। तो एक बार मैंने उनको बोला कि मुझे आपके ऊपर एक किताब निकालनी है, मतलब मासिक मैगजीन था मेरा, तो मैगजीन निकालनी है। बोले निकालो कोई बात नहीं, एक कंडीशन है। मैं बोला बोली, वो बोले तुम्हारा जो कॉपी रहेगा वो बेच के जो आएगा वो तुम्हारा, पर एडवर्टाइजमेंट मत लो। लोगों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अनिल थत्ते ने मेरे नाम पे एडवर्टाइजमेंट करके माल कमाया। और हमारे शिवसैनिक जो हैं वो ऐसे हैं कि अगर उसमें एक भी ऐड दिखाई देगा बोले बगा बाला साहब जाना और पैसे कमा लो, ठीक है मार्केट में बेचा जाएगा, उसका जो होगा पैसा मिलेगा, उसमें तुम्हारा खर्चा निकाला वो ठीक है, मगर ये नहीं करना है। सर ये उनका जो कहना था वो कितना सार्थक था इसका अनुभव मुझे बहुत बाद में आया। मैं एक बार वो धर्मवीर किताब बाद में आई, वो 5 लाख गई, वो बात छोड़ो, उसके पहले मैंने आनंद जी साहब को बोला था कि मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे एक और एक किताब बनाना अंक स्पेशल इशू बनाना चाहता हूँ। तो पहले वो बोला कि क्या ज़रूरत रहते हैं, पर वो हमेशा हर एक चीज़ में सजेशन देता तो यही बोलता है क्या करते हैं गाँव देना। मैंने उसका 10,000 फोटो गाँव में बांटा तो भी वो मुझे यही बोला क्या ज़रूरत है कैसा करता है, पर अंदर ही अंदर वो उसका सम्मति रहता था, करते तो मैं 10,000 कॉपी बांटी थी इसकी, फ़ोटो बांटे थे, तो मैं ये निकालना चाहता हूँ। तो वो बोला पर त्याचा खर्च कसा निघेल, म्हणजे विक्रीतून निघेल, जाईल 1-2 लाख कॉपी गेली तर त्याचा बॅलन्स होतो, मला कुठे पैसे कमवायचे। तर तो म्हणाले की एक काम करा की एक अमुक अमुक आहे त्याला सांगा, तो थोडंसं तुम्हाला सपोर्ट करेल, तर तुम्हाला मल्टी कलर काढता येईल, नाही तर तुमचं काय आहे तुम्ही ब्लॅक अँड व्हाईट काढून मोकळेवाल। तर मी म्हटलं ठीक आहे, मी तिथेच त्याच्या इथेच बसून त्याच्याच फोनवरून त्या माणसाला फोन केला, त्या व्यक्तीला, की असं असं अंक काढतो आहे तर त्याला कव्हरचा जो खर्च आहे तो तुम्ही कराल का। तर म्हणलं बिलकुल काही प्रॉब्लेम नाही। मगर उसने क्या किया कि प्रकाश परांजपे करके उस समय जो खासदार था शिवसेना का, उसको बोल दिया कि अभी थत्ते साहब का फ़ोन आया था, वो दिगे साहब के ऊपर कोई ये इशू निकाल रहे स्पेशल इशू, तो वो बोले कवर का जो खर्चा है वो आप दे दीजिए। वो हरामी प्रमोद, ये तुम्हारा प्रकाश परांजपे इतना हरामी था, वो वहाँ से जो निकला वो दिगे साहब के यहाँ आकर बैठा, मैं उसके सामने भी बैठा था, दिगे साहब और मैं गप्पा मारते बैठे थे, वो आया उधर ऐसा फुत 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 कर रहा था। अब क्या होगा प्रकाश, क्या चला तुम्हें, क्या दिगे साहबांच्या नावावर पैसे कमवायला सुरुवात केली? काय दिगे साहबांच्या नावावर काय पैसे कमवायला सुरुवात केली? आय तुम्ही बिल्डर लोकांना फोन करून सांगताय जाहिराती द्या म्हणून। हो का, कुठल्या बिल्डरनी सांगितलं तुला? तर म्हणे अमुक अमुक। हो का, पण त्याला हे सांगितलं त्यांनी तुला की दिगे साहेब समोर बसले होते आणि दिगे साहेबांशी बोलणं करून दिलं म्हणून? दिगे साहेबांनी सांगितलं त्याला, मी नाही सांगितलं, मी त्याला सांगितलं अंक काढतो आहे। दिगे साहेब म्हणाले त्याला बघा काय मदत करता येईल आपल्याला, फोल्ड कलममध्ये करायचं आहे। तर त्याने असं दिगे साहेबांकडे, दिगे साहेब तुमच्या नावावर पैसे खातात हे लोक,
आपल्या इथे एकही जाहिरात कुठले पेपरवाले पण आपले सगळे त्याने थाना के पेपरों का नाम दिया सभी दैनिकों का, बोले आपका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं उनको 50-50, 25-25 लाख का एडवर्टाइजमेंट मिलता है, आपको क्या मिलता है, आप ये ऐसे इसके ऊपर बैन करो, मेरे नाम से कोई पैसा नहीं कमाएगा, ऐसा बोलो। तो मैंने बोला आनंद को कि हम अंक निकालेंगे ही नहीं, मेरे को जो करना है मैं मेरे पैसे से कर सकता, इतना काबिल हूँ मैं, जो करूँगा। मगर मैं बोला बाला साहब ने ये मुझे बोला था, वो बोले कोई स्पेशल इशू निकालना है तो उसमें एडवर्टाइजमेंट मत लो। वो इतने महान थे, उन्होंने बोला कुछ कम पड़ गया तो मुझे बोलो, मैं दे दूँगा क्योंकि मुझे तुम्हारी ताकत है। हाँ, मैं मेन इशू पे आता हूँ। तो वो जो मैंने स्पेशल इशू बाला साहब के ऊपर निकाला, सर कैसे है ना, बाला साहब की अंतःप्रेरणा मेरे में थी, बाला साहब के विचार मेरे मन में थे, बाला साहब की भावना, और संजय राउत की जो कला है वो मेरे में भी थी कि मैं उनके मन में जाके सोच सकता था जी। तो बाला साहब को मैंने बोला कि मुझे वो लिखा, मैंने किताब पूरी मतलब विशेष अंक जो था वो लिखे पूरा किया, उसमें मैंने एक पैराग्राफ लिखा शिवसैनिक कसा असावा, वो मैंने लिखा, वो मेरे दिल से लिखा, मेरे दिमाग से लिखा, मेरे शब्दों में लिखा, पूरा का पूरा वो जो 10-12 लाइन का पैराग्राफ था वो मैंने लिखा और बाला साहब को दिखाया। और मैं बोला कि देखो इसमें मैंने शिवसैनिक कसा असावा इसके बारे में लिखा है। उन्होंने बोला पढ़े, उनको वो शौक था, बोलते हैं आप, मैं पढ़ता हूँ उससे ज़्यादा तुम जब पढ़ा के सुनाते हो पढ़ के मज़ा आता है। तो मैंने वो पढ़ के सुनाया, 2 मिनट तक मेरे ओर देखते रहे, बोले अनिल ही तुझी 10 वाक्य अमर होती, खरोखरच शिवसैनिक कसा असावा याची माझ्या मनातली जी कल्पना आहे, यानी अमक्यासारखं तमका असावं वगैरे वगैरे, मतलब वो मास्टर पीस है सर, अभी तक वो चलता है, अभी तक वो चलता है, शिवसैनिक कैसा असावा। तो बोले शाबाश, आगे बढ़ो। और वो जो अंक में मैंने शिवसैनिक कैसा असावा लिखा, वो आज इतने सालों के बाद भी, 30-35 साल के बाद भी सर, कोई भी स्मरणिका निकलती है तो उसमें वो शब्द आता है शिवसैनिक कैसा असावा। और वो उनको मालूम नहीं कि अनिल थत्ते ने लिखा था, क्योंकि 30 साल पहले मैंने जो कॉपी निकाली वो बूढ़े हो गए सब शिवसैनिक, उनको मालूम था कि अनिल थत्ते की करते थे। तो अभी वो शिवसैनिक कैसा ऐसा हुआ, तो अगर मैं मन से सैनिक कैसा ऐसा हुआ, ऐसा होना चाहिए मन से सैनिक, ऐसा राज जी के मन में प्रवेश करके लिखूँगा, तो जो शब्दों में लिखूँगा, जो भावना विचार कृति उक्ति इसका एक अच्छी तरह से सम्मिश्रण करके पेश करूँगा, मेरे को लगता है कि राजू तथा प्रमोद पाटिल जो आमदार है वो उस प्रकार के हैं। मन से का सैनिक कैसा हो, इसके बारे में राज साहब के मन में जो जो आशाएं अपेक्षाएं आकांक्षाएं सख्वाब यहाँ तक उसका एक्शन प्लान उसकी विजन ये सब जो है वो अपने प्रमोद तथा राजू पाटिल के जीवन में है। आपको क्या लगता है सर, जिस तरह से मनसे की खाली एक सीट आई है और अभी राजू पाटिल को उसका श्रेय जाता है, नहीं पीछे के क्या क्या लगता है सर? एक है कि वो लोकल सिचुएशन जब वो चुन के आए तब ऐसी बनी थी कि राजू पाटिल के उसके प्रिविलेज ऐसे वोट थे जी, उसको मानने वाला एक बड़ा समाज का तबका उधर है, पर्टिकुलरली यंग जनरेशन जो है वो उसके लिए दीवानी है। राजू पाटिल की बहुत क्रेज़ है, आप कभी डोंबिवली साइड में जाएंगे ना और राजू पाटिल का नाम लेंगे तो आपको एक 10-12 लड़के हैं तो उसमें 4 लड़के बोलेंगे वो हमारा आइडल है, वो हमारे रोल मॉडल है, हम उनकी पूजा करते हैं, ऐसा भी बोलना। मतलब दिघे साहब का जो स्थान थाना में है, था जी, थाना में था सर, आज की तारीख में राजू तथा प्रमोद पाटिल जो है उनका स्थान डोंबिवली कल्याण एरिया में वही है जो दिघे साहब का था। मैं शिंदे साहब का नहीं बोल रहा हूँ, मैं दिघे साहब का हूँ, उनको एक समाज का बड़ा हिस्सा है, वो भगवान मानता है। और राजू पाटिल की खासियत ये है कि मैंने एक बार मेरे दोस्त ने कहा कि उन्होंने वो कोविड का ये जब चालू हो गया कोरोना का तो उन्होंने एक हॉस्पिटल खोला, अपने पैसे से खोला और बिना मूल्य उधर ये किया। मगर ऐसा ही नहीं है, मेरे ख्याल से अभी अतिशयोक्ति नहीं करते हुए भी मेरे को लगता है कि मनसे के राजू पाटिल ने कुबेर ने अपना धन जितना दिया नहीं होगा लोगों को, या कर्ण ने दिया नहीं होगा दानशूरता से, उतना धन तो गरीबों में बांटा है, ज़रूरतमंदों में बांटा है, ज़रूरतमंदों के दिया है। उसके घर में कोई जाएगा और विन्मुख आएगा ऐसा कभी नहीं होगा, जिसकी जो ज़रूरत है वो जानकर उसकी शहानिशा करके वो उसको मदद करेंगे ही। और उसके वजह से ऐसा हुआ है कि जो रचना हुई इलेक्शन में उसमें वो चुन के आ गए, महाराष्ट्र में एक ही आमदार चुन के आया मनसे का, एक ही, वो राजू पाटिल। उसमें मैं 50% श्रेय राज साहब को भी देना चाहूँगा कि राज साहब का एक करिश्मा है, राज साहब का एक चरित्र है, राज साहब का एक सम्मोहन है,
सम्मोहन है सर जनता के मन के ऊपर, तरुणों के मन के ऊपर तो बहुत है, उसका भी इनको लाभ मिला, पर खुद राजू पाटिल जी का भी सम्मोहन कुछ कम नहीं है। और कैसे है ना, उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में आप घूमेंगे ना तो आपको जगह जगह पर उनके कर्तृत्व के निशान मिलेंगे जी। जैसे जितेंद्र आवाड़ का है कि सर कलवा मुमरा हम कितने सालों से जा रहे हैं, जितेंद्र का कलवा मुमरा और उसके पहले वालों का कलवा मुमरा, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सर राजू पाटिल ने भी वही करिश्मा और वही चमत्कार करके दिखाया है। चमत्कार तेरा नाम राजू पाटिल, इतना उन्होंने करके दिखाया है। और आगे असल में मैं तो दिल से चाहता हूँ, वो होगा नहीं अभी क्योंकि सिचुएशन वैसी नहीं है, मगर शिंदे साहब मन से अगर कुछ तालमेल करती थी तो एक मंत्री मन से लेना चाहिए था, और वो जो अभी आमदार नहीं है उनमें से लेने में मतलब नहीं था। वैसे तो बाड़ा नांदगांवकर वगैरह बहुत सारे लोग हैं, संदीप देशपांडे है, सरदेसाई है, ये है वो है, मगर मैं चाहता था कि आमदार जो है वो राजू पटेल, उनको मंत्री बनाना चाहिए था, मगर राज साहब के और इनकी कोई ऑफिशियल टाइप है नहीं तो इसलिए वो मंत्री नहीं बने। वो मंत्री नहीं बनने के बाद तो मंत्री कैसे होता है आदमी, लोगों के खातिर अघोषित सम्राट बोलते ना अपन, कि भाई वो अघोषित सम्राट है, वैसे वो अघोषित वहाँ के मंत्री है, पालक मंत्री है उनके मतदार संघ के, उनको उनके इसको दूसरे पालक मंत्री की जरूरत नहीं, यही उनका पालक है, यही संचालक है, ये चालक है। तो राजू जी आपको दिल से बधाई शुभेच्छा, और मनसे के पूरे इतिहास में आपके नाम से एक पन्ना सुवर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, इसकी मुझे पूरी शाश्वती है। धन्यवाद। धन्यवाद सत्यजी। तो हम चर्चा कर रहे थे राजू पाटिल जी जो मनसे के एकमात्र विधायक हैं, आज उनका जन्मदिन है, हम उनको शुभेच्छा दे रहे थे और उनके बारे में बता रहे थे। तो हम चाहते हैं कि राजू पाटिल की तरह जो है बाकी विधायक भी उसी तरह वहाँ के पालक मंत्री बने और लोगों की समस्या का समाधान हो, और हम वीडियो में यही चर्चा कर रहे थे। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें जरूर कमेंट बॉक्स पर लिखिए, वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।